प्रस्तुत है मेरी कहानी कितने में दोगे मोक्ष। रात के 11 बजे थे, निजी ट्रैवल्स की बस जयपुर की सड़कों पर रुक रुक कर चल रही थी। बड़ी चौपड़ पहुँच कर ड्राइवर ने बस खड़ी कर दी। कुछ देर बाद बड़े घेरदार घाघरे पहने, एक फीट का पर्दा किए कुछ महिलाएं बस में चढ़ी। उनके साथ सिरमुंडे आदमी, बच्चे भी थे। वे सब रिजर्व स्लीपिंग केबिन में सो गए। जब बस पूरी भर गई तो सर पर दौड़ने लगे। सुबह के 5 बजे मेरी नींद खुली। बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। अभी उजाला नहीं हुआ था। रोशनी की चकाचौंध में दिल्ली जगमगा रही थी। फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में लोग सोए थे। गरीब को खुले में भी कोई चिंता नहीं है। हम थोड़े पैसे वाले बंद कमरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं। फ्लाईओवर की पिल्लरों के एक तरफ राधे राधे और दूसरी तरफ 786 लिखा देखकर मुझे हंसी आ गई। धर्म ने इसे भी बांट दिया है, पता नहीं फिर कब झपकी लग गई। जब खुली तो बस हरिद्वार मार्ग पर स्थित किसी ढाबे पर खड़ी थी। मैं नीचे उतरा। मेरी बस की सवारी घेरदार घाघरे वालियाँ खेतों के किनारे बैठी थी, कुछ पानी की बोतलों से नीचे छींटे मार रही थी। ढाबे में अनेक शौचालय थे। शायद इन औरतों को शौचालय में जाने में शर्म आती होगी या प्रेशर नहीं बनता होगा, तभी तो खुले में बैठी है। कुछ देर बाद बस फिर चली। रुड़की मार्ग था। सड़क किनारे बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हैं। ख्यातनाम कथावाचकों, संतों, महात्माओं का प्रचार किया गया। उनके विशाल भवन हैं बने हैं जिन्हें आश्रम कहा जाता है। समूचे मार्ग पर दोनों तरफ वैभव समृद्धि दिखाई देती है। हमारे देश में पैसा या तो नेताओं के पास है या धर्म प्रचारकों के पास। करोड़ों अरबों के मालिक है ये दो कोड़ी के लोग। योग गुरु के नाम से ख्यातनाम बाबा की मात्र 5 वर्ष में ही संपत्ति हजारों करोड़ हो गई है। बस हरिद्वार पहुंची। बस से नीचे उतरा ही था कि पंडित ने घेर लिया। श्रीमान कहाँ से आ रहे हैं का प्रश्न उसके छिपे अर्थ को बता रहा था। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। चारों तरफ प्लास्टिक की दीवारें, छत वाले झोपड़े बने जिनके बाहर नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे हैं। गंदे पानी से खड्डे भरे हुए हैं। मैंने हाथ से में पकड़ा पॉलीथीन का बैग संभाला और गंदगी को पार करता हुआ गंगा नदी के घाट पर पहुंच गया। एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे। एक नन्ना बालक कटोरी लेकर आया। अंकल 1 रुपया दे दो, आपको मोक्ष मिलेगा। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। पास ही लगी गुमटी से पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीद कर उस बच्चे को दे दिया। गुमटी वाले को एक चाय का कहकर सामने बहती गंगा नदी को निहारने लगा। फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। गरीब ही गरीब नजर आया। इधर उधर आते जाते, खेलते हंसते, खाना बनाते लोग। गंगा के घाट पर इतनी गरीबी। दीवार पर नज़र गई, 3-4 पेम्पलेट चिपके थे। गुमशुदा की तलाश, बच्चे बूढ़े लड़कियों के फोटो हैं। मैं चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। एक जटाधारी साधु आया और शैम्पू का पाउच लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने नदी के किनारे घाट पर चलना शुरू किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद हर की पौड़ी अस्थि विसर्जन घाट के सामने पहुँचा। इस बीच अनगिनत भिखारियों के हाथ कटोरे बर्निया भिखारियों का देश की उक्ति को चरितार्थ कर रहे थे। सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने एक युवक तेजी से मेरी तरफ आकर बोला, श्रीमान अस्थि विसर्जन करना है क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पुल पार करके बीच के प्लेटफार्म घाट पर आ गया। अब मेरे दोनों तरफ गंगा बह रही है। कुछ लोग गंगा में डुबकियाँ लगा रहे हैं। आदमी चड्डी में और औरतें पूरे वस्त्र पहने।
कुछ औरतें साड़ी का वर्ग बनाकर खड़ी है, जिसके अंदर औरतें बैठी बैठी वस्त्र बदल रही है। एक आदमी रसीद बूर लेकर आया, घाट की सफाई के लिए दान मांग रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोग गंगा किनारे खड़े फोटो खिंचवा रहे हैं। इतने में फिर पंडा आ गया। कहाँ से आए हैं श्रीमान? मैंने जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ देखने लगा। एक भिखारी ने कटोरा आगे कर दिया। मैंने 1 रुपये का सिक्का डाला। वह हंस दिया, 1 रुपया? वो पौड़ी पर जाएगा तो 5,000 दे देगा मोक्ष के लिए, और मुझे सिर्फ 1 रुपया? मैंने उसे ध्यान से देखा। वह मेरे पास ही सीढ़ियों पर बैठ गया। मैंने पूछा, बाबा यहाँ इतनी गरीबी क्यों है? गरीबी है तो होगी ही ना, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पता नहीं, कब से यहाँ रहते हो? छोटा था तब से। रोज गंगा में नहाते हो? हाँ, तब तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा जरूर। वह हंस दिया। इतने में एक पंडा आ गया। अस्थि विसर्जन करवाना है क्या? मैंने कहा नहीं। अच्छा, ब्राह्मण हो, स्वयं ही करोगे? पर इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, वह तो यहीं के ब्राह्मण से करवाने पर ही मिलेगा। क्या कर, वह चला गया। एक औरत रसीद बुक लेकर आ गई। बाबा ने उसे भगा दिया। तुम्हें मोक्ष चाहिए? हाँ। कितने वाला? 500 से 5,000 तक का है मोक्ष। क्या, कैसे, क्या कह रहे हो? वह बाबा मुझे हर की पौड़ी की तरफ ले गया। रास्ते में अनेक भिखारी बैठे थे, किसी के हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं। उनके कटोरों में पड़े 10-10 पैसे के सिक्के देखकर मैं चौंक गया। ये अभी भी प्रचलन में है यहाँ? बाद में पता चला कि श्रद्धालु, दयालु, दानी, मोक्ष चाहने वाले पुल पर बैठे व्यापारियों को 1 रुपया देकर 10 पैसे के 8 सिक्के देते हैं और इन भिखारियों को देते हैं। ये भिखारी 12 सिक्के इन व्यापारियों को देकर 1 रुपया ले लेते हैं। हम हर की पौड़ी पहुँचे। यही अस्थियाँ विसर्जन और मोक्ष मिलने का मिथक है। एक पंडे ने पूछा, अस्थि विसर्जन करवाना है क्या? मैं कुछ कहता इससे पहले बाबा बोला, हाँ। कितने रुपये लोगे? जैसी जैसी पूजा, पूरा मोक्ष चाहिए, 5,000 लगेगा। और तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? 21 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। अच्छा, और क्या करना होगा? गाय को चारा डालने के लिए रुपये देने होंगे। इन दोनों का कितना होगा? कम से कम 5,000, मतलब 10,000 रुपये में मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, बाबा हंस दिया, बोला, बिना पूजा के अस्थि विसर्जन कर दे तो मोक्ष नहीं मिलेगा क्या? ब्राह्मण के हाथों ही मोक्ष मिलता है बाबा। मैंने गड़बड़ कर दी, बीच में बोल दिया, गंगा तो इधर बह रही है, अस्थियाँ नीचे की तरफ ही जाएगी और स्वर्ग तो ऊपर की तरफ है, तब आत्मा को टर्न लेना पड़ेगा। पंडा नाराज हो गया, घुड़ते हुए चला गया। मैंने देखा अनेक मध्यम वर्ग के लोग, धनाढ्य लोग मृत परिजनों की अस्थियां विसर्जन करवा कर पूजा करवा रहे हैं। कुछ तो चांदी की गाय दान दे रहे हैं। पंडा संस्कृत में कुछ बोल रहा है, नोट गिन रहा है और बोल रहा है, आपकी माता जी को मोक्ष मिल गया। और दूसरी मोक्ष की तैयारी में लग गया। वहीं घाट के निकट बने गंगा माता मंदिर में कोई भी दर्शन नहीं कर रहा है, सब गंगा में डुबकियाँ लगा रहे हैं। 3, 5, 7 पाप ढूंढ रहे हैं, शायद इसीलिए गंगा मैली हो गई है। अस्थि विसर्जन प्रवाह में 30-40 युवक खड़े हैं, अस्थियों के साथ चढ़ाए बहाए गए सिक्के रुपयों को झपट रहे हैं। ये पंडे नहीं, गरीब हैं। बाबा और मैं होड़ी के ऊपर बने बाजार में चले गए। 4-5 मंजिला भव्य होटल के डाइनिंग हॉल में भोजन का आर्डर देकर बैठा। जिस पंडे ने से बाबा की बहस हुई थी वह हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, पंडित जी भोजन करोगे क्या? यह होटल मेरा ही है, आप तो करो भोजन। बात बात में उसने बताया कि इस वर्ष का अस्थि विसर्जन का ठेका उसने ही लिया है, रोज का 1 लाख रुपया।
उसके चेले चपाटे मोक्ष दिलवाते हैं। वो कुछ देर बाद फिर बोला, आपको अस्थि विसर्जन करवाना है तो बताओ, ये उसे 500 रुपये में करवा दूंगा। मेरे मना करने पर वह नाराज हो गया। बाबा और मैं घाट पर चलते चलते बहुत आगे निकल गए, फिर नदी किनारे सीढ़ियों पर बैठ गए। बहुत देर तक चुपचाप बैठे गंगा में बहते जल को देखते रहे। बाबा ने मौन तोड़ा, कर्मकांडियों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का ऐसा जाल बुनाया है कि व्यक्ति विश्वास करे या न करे, उसे मजबूरी, सामाजिक दबाव के कारण संस्कारों के नाम पर निरर्थक यज्ञ, हवन, तर्पण, विसर्जन, मुंडन मंडन करना ही पड़ता है। पहले आस्था, श्रद्धा, विश्वास, बाद में फल अनुभव की अवधारणा ने अंधविश्वास, पाखंड, कुरूतियाँ, विडंबना पैदा कर दी है। यही पंडों की कमाई का आधार है। मैंने पॉलीथीन थैली में से दूध की बोतल नाश्ता निकाला। बाबा हंसते हुए बोला, पंडे इस थैली में अस्थियां समझ रहे थे। मैं भी हंसने लगा।